मोदी जी राजा हैं, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, मोदी जी राजा हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं। 21वीं सदी के वो राजा हैं, एक्चुअली राजा के पास पावर नहीं है, एक्चुअली पावर कहीं और है। तो रिजर्वेशन पर आक्रमण, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण, पब्लिक सेक्टर पर आक्रमण, आर्मी पर आक्रमण, फाइनेंशियल सिस्टम पर आक्रमण, भोकला गए। मोदी जी ने अदानी जी का, अंबानी जी का नाम ले लिया कि भैया आओ आओ मुझे बचाओ, यहाँ पे तो हिंदुस्तान की जनता ने घेर लिया मुझे, ये मतलब सबने घेर लिया, ये तो आरक्षण की बात कर रहे हैं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, अदानी जी अंबानी जी बचाओ मुझे। नोट किया है कि सीबीआई ईडी मुझे छोड़कर, मुझे छोड़कर 55 घंटे मुझसे मतलब इंटरोगेशन किया। मैं 2-3 साल बाद आपको बताऊंगा उस डिस्कशन में क्या हुआ। मैं बताऊं आपको क्या हुआ, बताऊं? मैंने ईडी के अफसर से बोला, ईडी के अफसर मुझे इंटरोगेट कर रहे थे और मैंने उनसे बोला कि देखिए आप सोच रहे हो कि आपने मुझे यहां बुलाया है, मगर आप गलतफहमी में हो, आपने मुझे यहां नहीं बुलाया, मैं यहां आया हूं। और आप जानते हो मैं यहां क्यों आया हूं? कहते हैं नहीं, मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मैं देखना चाहता हूं हिंदुस्तान के लोकतंत्र की हत्या कौन लोग कर रहे हैं। मतलब आप क्या समझे हो? मैं वहां पे इंटरोगेशन हो रहा था, वहां पे एक सेल पड़ा हुआ था, वो लॉकअप होता है, वो इंटरोगेट कर रहा है मुझे। मैं सोच रहा हूं यार मेरे परदादा 12 साल ऐसे सेल में बैठे थे, कम से कम 10 साल तो मुझे भी जाना चाहिए। आप मुझे कोई भी सेल दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा कहना है कि हिंदुस्तान की जनता के सामने हिंदुस्तान की रियलिटी डालनी है। और मैं बिलीव करता हूं चाहे वो किसी भी जात का व्यक्ति हो, अगर हमने रियलिटी सामने रख दी ऐसे, हिंदुस्तान की राजनीति बिल्कुल बदल जाएगी। और उसको बदलना ही होगा क्योंकि 90% को आप चुप नहीं रख सकते, 90% की शक्ति को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ भी कर लो, अगर पूरी चीटिंग कर दी, अगर ईवीएम लपेट लिया वैसे हो सकता है, मगर उसके अलावा ये 180 से आगे नहीं जा रहे। मोदी जी राजा हैं, मैं सच बोल रहा हूं, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, मोदी जी राजा हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं, कैबिनेट से कुछ लेना देना नहीं, पार्लियामेंट से कुछ लेना देना नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ लेना देना नहीं। 21वीं सदी के वो राजा हैं और उनके जो फाइनेंसियर्स हैं पीछे, जो 2-3 फाइनेंसियर्स हैं, वो राजा का पूरा टेम्पो वाले, वो राजा एक्चुअली वो राजा फ्रंट है, एक्चुअली राजा के पास पावर नहीं है, एक्चुअली पावर कहीं और है। तो ये सिचुएशन है। नहीं भैया, अनपढ़ राजा भी काम चला लेता, बहुत सारे अनपढ़ राजा हुए हैं हिंदुस्तान में जिनमें अहंकार नहीं है, जिनमें अहंकार नहीं था, वो काम चला लेंगे, जो जनता की बात सुन लेते थे। ये दूसरे टाइप के हैं, ये किसी की नहीं सुनते। अब इनका लक्ष्य है कि पब्लिक सेक्टर को खत्म करो,
और जो दलितों के आदिवासियों के पिछड़ों के रास्ते हैं और गरीब जनरल कास्ट के जो रास्ते हैं उनको एक एक करके खत्म करो। और इनके सारे के सारे नेता कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं कि हम रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। और मैं खुल के कह रहा हूं आप रिजर्वेशन को कभी खत्म नहीं कर सकते हो। और सिर्फ ये नहीं, वो क्योंकि रिजर्वेशन 90% की आवाज है, तो रिजर्वेशन पर आक्रमण, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण, पब्लिक सेक्टर पर आक्रमण, आर्मी पर आक्रमण, फाइनेंशियल सिस्टम पर आक्रमण। क्यों? क्योंकि इनके पीछे धन है, अरबों रुपए हैं। तो ये सिचुएशन है। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, आपने देखा होगा मोदी जी ने अदानी जी का, अंबानी जी का नाम ले लिया, भौंकला गए कि भैया आओ आओ मुझे बचाओ, यहां पे तो हिंदुस्तान की जनता ने घेर लिया मुझे, ये मतलब सबने घेर लिया, ये तो आरक्षण की बात कर रहे हैं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, अदानी जी अंबानी जी बचाओ मुझे। वो कैसे बचाएं? वो नहीं बचा पाएंगे, बचा तो जनता ही सकती। मेरा सवाल आपसे ये है कि जस्टिस मदन बी लोकुर और मीडिया के काफी सारे साथियों ने आपको प्रधानमंत्री जी के साथ 1-to-1 डिबेट के लिए आमंत्रित किया है, तो ये न्योता स्वीकार करते हैं? मैं 100% किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूँ प्रधानमंत्री से। हेलो, मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूँ, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे।